यूपी के सीतापुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक घर के दरवाजे पर लौंग पड़ी हुई मिली तो पड़ोसी से झगड़ा हो गया, जिसमें एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या कर दी गई। घटना सीतापुर के खैराबाद थाना क्षेत्र के गांव गौरिया की है। यहाँ के निवासी 45 वर्षीय आशाराम के परिवार में कुछ लोग काफी समय से बीमार चल रहे थे। इस दौरान आशाराम के घर के बाहर कुछ लौंग पड़ी हुई मिली, जिस पर आशाराम के परिवार ने पड़ोस के ही रंजीत पर तंत्र मंत्र के चलते झाड़ फूंक कर घर में लौंग फेंकने का आरोप लगाया। इसी आरोप के चलते ही आशाराम और पड़ोसी रंजीत के बीच विवाद शुरू हो गया और विवाद इस कदर आगे बढ़ा कि रंजीत और उसके परिवार वालों ने लाठी डंडों और चाकुओं से आशाराम पर हमला बोल दिया। इस हमले में रंजीत और अन्य साथियों ने आशाराम को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। हमले के दौरान आशाराम को बचाने पहुंचे उसके छोटे भाई रामजीवन को भी दबंगों ने चाकू मारकर लहूलुहान कर दिया। परिजनों ने मामले की सूचना आनन-फानन में पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर एसएसपी व सीओ सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने घायल रामजीवन को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच पड़ताल शुरू की। इंस्पेक्टर अंबर सिंह का कहना है कि झाड़ फूंक के चक्कर में दोनों पक्षों में विवाद हुआ है और उस दौरान ही अधेड़ व्यक्ति की हत्या की गई है। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार रंजीत सहित चार लोगों पर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सीतापुर से खबर तहकीकात के लिए जगमोहन मिश्र की रिपोर्ट। क्या हुआ था? ये हम 15 दिन से बहुत दिक्कत थी हमरे आपस के परिवार में, लौंग बनवा बनवा डाल दे रहे हैं, हमारे औरत जो है तो घर छाड़ छाड़ भागने लगा। कल मंगल का दिन था तो जब हमको ये पता चला कि फला आदमी बनवाता है तो उस पर निगरानी रखे, वो हमारे सामने आंखों के रात के अंधेरे में खड़े होकर के फोन लगाया कान में, उसी टाइम डाल दिया। टार्च जब मंगाया तब तलक ये जा चुका था अंधेरे में, जब टार्च से देखा तो दो लौंगे का जोड़ा एक हरी लौंगे का हमारे दरवाजे के पास में, फिर इसको ढूंढा ये मिला। जब तो हमने कहा आपने जो लौंगे हमारे मकान पे छाई ये आप खा लीजिए और हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं, उसने लौंगे उठा करके खा लिए। ये लोग प्लान पहले से बना रखे थे, 12-14 लोग इकट्ठा थे, हनुमान श्री प्रकाश गोलू भरोसे दुल्हन रंजीत पप्पू किट्टू जगतू जगत जगन नारायण की पत्नी और शुभम संदीप और एक गंगा दीन का नाती बोल्टू उसका नाम वो भी उसके साथ में रहता है, एक और है उसका। तो फिर क्या हुआ फिर बाद में? फिर उसके बाद में ये लौंगे खा करके घर को चला गया, घर से ये चक्कू लेकर के गलियाते हुए आया उधर से, तो हमने समझा कि कोई किसी और को गलिया हो रहा होगा, जब आसानी से खा लिया घर को चला गया। तो उसके बाद में हमारे बड़े भाई दरवाजे पर बैठे थे, बांसों का फाटक बना करके लगाया है दरवाजा नहीं, तो हम घर के अंदर थे। हम इसको जब देखे कि हमारे बड़े भाई व्यवहार कर रहा चक्कुओं से, तो हम वाहन से घर से निकल करके अपने हाथ में पकड़ा, ये साहब अभी भी निशान है पकड़े हुए का, ये देखिए सारी कटी हुई है। और जब चक्कू पकड़ा तो ये खींच लिया, जब खींच लिया तो हमारे बड़े भाई के जो पहले चाकू वार किए थे उन्होंने सन्न में आकर के द्वारे को भागे और वहीं गिर गए। हेल्दी विंग हॉस्पिटल, हमारे यहाँ पर टूटी हड्डी व जोड़ों का इलाज किया जाता है, कमर रीढ़ में दर्द व पुराने गठिये रोग का इलाज भी किया जाता है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा व महीने के पहले सोमवार को फ्री ओपीडी की भी सुविधा, साथ ही स्त्रियों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज भी किया जाता है। हमारा पता है BN कॉम्प्लेक्स मोतीबाग रोड बुलंदशहर।